नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एबीपी रिपोर्टर में अगले एक घंटे तक हम आपको ताजी खबरें अपडेट बताएंगे, लेकिन पहली तस्वीरों से शुरुआत कर लेते हैं जो उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो रहा है। देहरादून पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी कतार में पीएम का वेलकम करते लोग दिखे, और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं इसमें जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें आपको सीएम धामी भी दिख रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल, और आज का दिन और कल का दिन ये रखा गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के लिए, जहां पर देश दुनिया से तमाम डेलीगेट्स रहेंगे, और यहां इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे उत्तराखंड मुफीद राज्य है इसी का खाका तैयार किया गया है, प्रेजेंटेशन तैयार की गई है। उन्हीं में से एक को खुद समझते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जाए, और टूरिज्म हो चाहे इंडस्ट्रीज, सिडकुल से लगाए तमाम पहाड़ी क्षेत्रों तक, आखिर क्यों उत्तराखंड को इस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूती देना मकसद, लेकिन तमाम ऐसी इंडस्ट्री जो यहां आकर के अपने लिए भी भविष्य खोज सकती हैं। और ये देखिए, जो एमओयू साइन हुआ है उसे लेकर के भी ये तस्वीर सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कुमाऊं गढ़वाल सभ्यता संस्कृति लोक गीतों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत, और अब जो एमओयू साइन हुआ है उसके आधार पर विशेष रूप से विश्वास जताता हुआ उत्तराखंड कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तब्दील होगा। और इसी मद्देनजर 8 और 9 तारीख फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ये लोकेशन जहां पर इस वक्त इनॉग्रेशन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो टारगेट है जो सामने दिखाई दे रहा है। एमओयू के जरिए ये रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, विश्वास है कि ये उत्तराखंड की जमीन पर फलीभूत होगा और इंडस्ट्रीज के फॉर्म में फ्लरिश होगा, जिसे लेकर के आश्वस्त हैं तमाम महकमा। बहुत लंबे वक्त से पूरी तैयारी में था, और देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इनॉग्रेशन सेरेमनी में हैं, जहां तमाम दुनिया के डेलीगेट्स इस वक्त मौजूद हैं देहरादून में। आज और कल ऐसे ही डेलीगेट्स की मौजूदगी रहेगी, उन्हें तमाम प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि उत्तराखंड किस तरीके से उन्हें ऑफर करने के लिए तैयार है, वो तमाम चीजें जो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए मुफीद हैं, सही हैं। और इसी क्रम में ये बड़ी तस्वीर, तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने की तस्वीरें हैं, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब और इसका मकसद ये है कि इसमें जो निवेशक हैं उन्हें उत्तराखंड आमंत्रित किया जाए। निवेशक और प्रतिनिधि इस इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, और देख लीजिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट 44,000 करोड़ का। अब आगे बढ़ते हुए, ये एमओयू है और 2.5 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया है इस इन्वेस्टर समिट के जरिए। चलिए इस पर निगाहें तो बनी है, तस्वीरें भी बनी हुई है, और बड़ी खबर मिल रही है। 3 राज्यों में इनकम टैक्स के छापे से जुड़ी है बड़ी खबर है। अब तक 150 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। कहां से? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में छापेमारी की खबर मिल रही है। एक शराब बनाने वाली कंपनी पर उसके ठिकानों पर छापेमारी की यह खबर है, जहां ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड ये लोकेशन है जहां छापेमारी की खबर मिल रही है। और इसके साथ ही जानकारी यह है कि 150 करोड़ से ज्यादा का कैश भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल चुका है। और इसी मद्देनजर अभी भी 3 राज्यों में इनकम टैक्स की टीमें दस्तावेज खंगाल रही हैं और ठिकाने खंगाल रही हैं, जहां से ये बड़ी जानकारी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, कल से ही ये छापेमारी चल रही है और अब तक 150 करोड़ कैश बरामद हुआ है। अगली बड़ी खबर जान लीजिए, आईटी के छापे पर निशिकांत दुबे का बयान सामने आ गया। इतिहास की बहुत बड़ी आईटी रेड है ये, निशिकांत दुबे का कहना है। छापे में बहुत कुछ सामने आएगा, निशिकांत दुबे का ये बयान। बड़ा आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सीएम से इसके तार जुड़ रहे हैं। पूरा बयान आपको सुनाते हैं। वहां बातचीत हुई है, तकरीबन 20 कमरे इनकम टैक्स ने लॉक किए हैं। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं, और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, 15 कमरे खुलने बाकी हैं। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में, किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा
300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। और देखिए इनकम टैक्स के इस छापे को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी जहां इस मामले को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने छापेमारी पर सवाल उठाए हैं। इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है, सर्वे हो रहा है, बताया गया सुबह में हमको लोगों ने, वहां के लोहराकर लोगों ने। इस पर अभी बोलना संभव नहीं है, इसके बाद शाम में क्या रिजल्ट आता है उसके बाद बोलना ठीक उचित होगा। कांग्रेस के ही नेताओं के यहाँ लगातार ये है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसका इंतजार था। तीन राज्यों में पर्यवेक्षक का ऐलान कर चुकी है बीजेपी। बड़ी अपडेट जान लीजिए, तीनों राज्यों में बीजेपी पर्यवेक्षक का ऐलान हो गया है। अब इससे साफ हो जाएगा जल्दी ही कि सीएम फेस कौन होगा। नड्डा ने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है तीनों राज्यों में, यानी राजस्थान में राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े होंगे ये। और आगे हम आपको बता रहे हैं कि तीनों राज्यों में जो ऐलान हुआ है इसमें राजनाथ और विनोद तावड़े का नाम निकलकर सामने आ रहा है। जानकारी लगातार आती जा रही है, नए पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान हो गया है। सरोज पांडे भी राजस्थान के लिए, उनका नाम सामने आया है राजस्थान के पर्यवेक्षक के लिए। मध्य प्रदेश में मनोहर लाल, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा और विकास भदौरिया के पास विस्तार से जानकारी है, उनके पास भी चलते हैं। विकास, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? और देखिए राजस्थान में राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया है बीजेपी ने, इसके अलावा मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर को और के लक्ष्मण को बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए सर्वानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये पर्यवेक्षक जाएंगे विधायक दल की बैठक की तिथि और स्थान तय करेंगे, जिसमें विधायक दल की बैठक में फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि शनिवार इतवार तक, यानी कि कल परसों और ज्यादा से ज्यादा देर हुई तो सोमवार तक, इन तीनों राज्यों को वहां के मुख्यमंत्री कौन होंगे वहां की जनता को पता चल जाएगा। विधायक दल की बैठक शनिवार या इतवार में मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग तय है, लेकिन अभी स्थान समय तय होना बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो पिछले 5 दिनों से आपको बनी हुई थी कि आखिर कौन पर्यवेक्षक जाएंगे, कब इन राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आएंगे, अब उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में रफ्तार आई है और पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो गया। बिल्कुल, अब जरा एनालिसिस कर लें विकास, जो पर्यवेक्षकों के नाम चुने गए, एक बार मैं फिर से चाहूंगी कि आप उनकी डिटेल्स बताएं और दें। जी देखिए, जो राजस्थान है वहाँ के लिए राजनाथ सिंह को, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री असम के और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन लोगों की जिम्मेदारी होगी कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करें, अगर जरूरत पड़ी तो विधायकों की राय मशवरा लिया जाए और जरूरत पड़ी तो फिर ऐसी सूरत में विधायकों के साथ पर्ची भी निकलवाई जाए ताकि उसके बाद नाम तय किया जाएगा। विकास भदौरिया, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। नीरज, छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ का अगला सीएम आदिवासी समुदाय से आने वाला है? ये कहना गलत होगा कि अर्जुन मुंडा वहां पे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं तो आदिवासी होगा, ये एक पार्टी की रणनीति के तहत होता है। पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल उनके साथ जाएंगे, दुष्यंत कुमार गौतम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो जाएंगे, तीन जो पदाधिकारी हैं, एक केंद्रीय मंत्री, एक बहुत ही सीनियर लीडर और एक संगठन की तरफ से। तीनों राज्यों में आप देखें तो पहले राजस्थान में आप देखें तो राजनाथ सिंह के साथ सरोज पांडे, विनोद तावड़े को रखा गया है। दूसरे देखें मध्य प्रदेश के लिए तो मनोहर लाल खट्टर जो कि सीनियर लीडर है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनको पर्यवेक्षक बनाए, उनके साथ डॉक्टर के लक्ष्मण जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और तेलंगाना से आते हैं उनको रखा गया है, और आशा लाकड़ा जो राष्ट्रीय सचिव है उनको रखा गया है। तो ये तीन लोगों का पैनल बनाया गया है जो तीनों राज्यों में भेजा जा रहा है और तीनों राज्यों में जाएंगे, मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, सभी विधायकों के साथ बात करेंगे और बात करने के बाद इसकी जानकारी सेंट्रल लीडरशिप को देंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखा जाए तो राजनाथ सिंह को राजस्थान का बनाया गया। राजनाथ सिंह बहुत ही सीनियर लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और राजस्थान से उनका बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है, वो राजस्थान के हर बड़े छोटे नेता को बहुत नजदीक से समझते हैं और ये कहा भी जाता है कि जब भी वसुंधरा राजे को टैकल करने की बात आती है तो दो ही बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को जिनको लगाया जाता है, एक राजनाथ सिंह और दूसरे नितिन गडकरी। ये दो नेता ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे
को टैकल करने के माहिर माने जाते हैं, क्योंकि एक बार जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी ऐसी परिस्थिति आई थी कि राजस्थान में तमाम पार्टी के अंदर झगड़ा बढ़ गया था, तो उस समय भी राजनाथ सिंह ने बड़ी ही अपनी चालाकी से, बड़ी ही अपनी तन्मयता से इसको हैंडल किया था। तो इस बार राजस्थान में राजनाथ सिंह को एज ए पर्यवेक्षक भेजना ये भी एक स्ट्रेटजी का बड़ा पार्ट है। तो आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक कमेटी गठित की है जो जाएगी और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री कौन होगा इसको तय करेगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अब तक हमने कभी देखा नहीं कि मुख्यमंत्री किसी राज्य का पर्यवेक्षक बन के जाता रहा हो, लेकिन ये पहली बार है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जाएंगे और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनेंगे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायकों की राय लेंगे। नीरज, आप ये अपने आप में बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, मेरा अगला सवाल भी यही जुड़ा हुआ कि खट्टर को मध्य प्रदेश भेजने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। कहा हूँ अवधेश की, ये पहली बार मैंने देखा है। मैं भी पिछले 10-12 साल से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को नजदीक से देख रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के चयन के लिए किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को एज ए पर्यवेक्षक भेजा जा रहा हो। तो ये कई चीजें पहली बार हो रही है, तो इस बार देखा गया मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश। बिल्कुल, और इसी चीज के लिए बीजेपी जानी जाती है नीरज, हम सभी देखते चले आए कि मनोहर लाल खट्टर का सीएम बनना भी किस तरीके से एक अलग अप्रत्याशित चीज थी, अब उनका पर्यवेक्षक बनना भी। लेकिन इसी बीच चलिए अब सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत भी जुड़ गए हैं, जो अब इस पर्यवेक्षक के नाम के सामने आने के बाद किस तरीके की तस्वीरें बदल सकती हैं, विधायक दल में किस तरीके का रिएक्शन आ सकता है, ये सारी चीजें अब डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, हम जिस जगह पे हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में, यहाँ थोड़ी देर पहले ही प्रहलाद पटेल आए हुए हैं, उन्होंने अपना जो विधायकी का सर्टिफिकेट है विधानसभा के कर्मचारियों को दिया है और अभी आकर कहा है कि जो मेरा रोल फिर बदला है और इस रोल में भी बेहतर काम करूँगा, मेरी भूमिका बदली है और बेहतर काम करना। मगर जब उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में इतना लंबा वक्त हो गया है और मुख्यमंत्री का नाम अब तक तय नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा बस जैसा आप इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ये कुहासा खत्म होगा, सस्पेंस खत्म होगा। और पर उनको स्वयं नहीं मालूम था कि वो निकलेंगे बाहर और पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल सभी को इंतज़ार है कि जो पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर और के लक्ष्मण हैं वो यहाँ आएँ और विधायक दल की बैठक करें, और फिलहाल तो सबसे पहले विधायकों को यहाँ बुलाना होगा। तो बी डी शर्मा जो कल रात में यहाँ आ गए थे प्रदेश अध्यक्ष, वो शायद आज दिल्ली चले गए हैं, तो होपफुली शाम तक लौट आएंगे और फिर बैठकों की तैयारी शुरू हो जाएगी। मगर प्रहलाद पटेल अभी यही कह रहे थे कि इंतजार बहुत लंबा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी, और उन्होंने एक बात कही कि 5 राज्यों में जिस तरीके से फैसले होने हैं तो सबके फैसले एक साथ लिए जाएंगे, इसलिए जो इंपेशेंट होने की जरूरत नहीं है, 5 राज्यों की फैसले एक साथ लिए जाएंगे। उन्होंने एक कारण और बताया कि पार्लियामेंट चल रही है तो जो आला कमान है हमारे पार्लियामेंट में व्यस्त है, तो इसके चलते थोड़ी बहुत देरी हो रही है, मगर उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस हफ्ते के आखिर तक सब कुछ हो जाएगा। तो वही हुआ कि वो अभी अंदर है, विधानसभा प्रमुख सचिव से मिल रहे हैं, अभी तक शिवराज सिंह चौहान तो दिल्ली नहीं आए हैं, हालांकि वो मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं आए हैं, लेकिन वीडी शर्मा आकर और वो मुलाकात करके वापस मध्य प्रदेश जाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया जा चुका है, बीजेपी की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है, 3 राज्यों के लिए 3 नाम सामने आ चुके हैं। आपको बताएं तीनों ही बड़े राज्यों में ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक की भूमिका क्या रहेगी, जाके विधायक दल के साथ बैठक और आला कमान के साथ कोऑर्डिनेशन, और इसी स्टेप के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर जो है मुहर लग जाएगी, वो नाम और चेहरा सामने आ जाएगा। देखिए वो नाम है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कौन कौन कहां से ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने वाला है, जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही जगह से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष हमारे सहयोगी जयपुर से, जहां अब ये खबर आ चुकी है मनीष, तो क्या माना जाए ऑब्जर्वर के नाम से भी कुछ कयास लगाया जाना चाहिए कि इन नामों को ही क्यों चुना गया, या फिर कोई कनेक्शन है या नहीं है, किस तरीके की डिटेल्स है आपके पास? अगर स्नेहलता आप संकेतों की बात करती है तो राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो राजनाथ सिंह अगर राजस्थान आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो वसुंधरा राजे से उनके बहुत ही निकट संबंध हुआ करते थे, और लोग ये मानते थे कि केंद्र में राजनाथ सिंह जो हैं वो वसुंधरा राजे के सबसे बड़े पैरोकार हैं। अब राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक की भूमिका में होंगे, विधायक दल के जो तमाम सदस्य हैं वो क्या कहते हैं ये सबसे अहम होगा, लेकिन अगर संकेतों की बात करें तो राजनाथ सिंह का राजस्थान आना
कहीं ना कहीं संकेत दे सकता है कि वसुंधरा राजे के लिए वो फेवरेबल हो सकते हैं। अब विधायक दल की बैठक संभवतः आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि कब होनी है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी और तमाम नेता इसमें शामिल होंगे, उसके बाद सारी तस्वीर साफ होगी। लेकिन राजस्थान को राजनाथ सिंह बहुत करीब से जानते हैं, वसुंधरा राजे से उनके बहुत मधुर रिश्ते रहे हैं, ये संकेत तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। जी स्नेहलता, बिल्कुल ये बड़ा संकेत। और अब देखना ये है कि सरप्राइज करने वाली बीजेपी पार्टी जिस तरीके से पर्यवेक्षकों के नाम से पर्दा उठा है, लेकिन पर्यवेक्षकों के नाम से क्या संकेत हैं विवेक, ये सटीक साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है। ये काफी अहम है कि जिस तरह से पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हुआ है, अब कम से कम ये तो साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो क्लियर होने वाला है। अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, छत्तीसगढ़ से आपसे कमेंट ले सकते हैं, मध्य प्रदेश पर जाएंगे ब्रजेश राजपूत के पास। छत्तीसगढ़ में जो नाम तय किए गए हैं, इससे क्या कयास लगाए जाए, क्या संभावनाएं बनती हैं? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि तीन नाम जो छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर हैं, अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस बात का संकेत देने की कोशिश कर रही है कि इस बार जो है वो एक आदिवासी चेहरे पर जो है वो दांव खेल सकती है मुख्यमंत्री पद का। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो अगली चुनौती है बीजेपी के लिए है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वही होगा जो कि 2024 जिताने का मादा रखता हो, जो कि सारी कवायद, सारे चाहे वो सियासी समीकरण की बात कर ले, प्रशासनिक समीकरण की बात कर ले, या सामाजिक समीकरण की बात कर ले, या जाति समीकरण की बात करें, तो ऐसा चेहरा जो कि मोदी के चेहरे को और आगे बढ़ाए और उसके बाद जो है वो 24 के जितने भी समीकरण बन रहे हैं उनमें वो फिट बैठे। तो ये जो तीनों पर्यवेक्षक चुने गए हैं, ये एक तरीके से वो ब्रिज का काम करेंगे, आला कमान और विधायकों के बीच के जो है एक ब्रिज का काम करेंगे। और जैसा कि माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक, ये तीनों पर्यवेक्षक आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। और ये भी कयास लगा रहे हैं कि कल शाम तक या फिर रविवार की सुबह तक विधायक दल की बैठक जो है वो भी जो है वो छत्तीसगढ़ में खास करके हो जाएगी, और जिसके तुरंत बाद ही जो है वो मुख्यमंत्री पद का जो के चेहरे को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है पिछले एक हफ्ते से, पांच दिनों से, वो जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो हालांकि नाम जो है वो कई सारे इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, चाहे अगर वो आदिवासी चेहरे की बात करें तो इसमें विष्णु देव साय से लेकर के रेणुका सिंह और रामविचार नेताम तक एक आदिवासी चेहरे का नाम जो है वो चल रहा है। वहीं अगर ओबीसी समाज में जाएं तो जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ बीजेपी के अरुण साव, उनका नाम जो है वो चल रहा है, उन्होंने अपनी लोकसभा सांसदी से इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि इन सब में एक नाम जो बीजेपी का सबसे जाना माना चेहरा है छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह का भी नाम चल रहा है, क्योंकि उनके पास 15 साल का अनुभव है। तो ये नाम जो है वो कई सारे चल रहे हैं, चूंकि अब एक पायदान हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं, जो पर्यवेक्षक की नियुक्ति है वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है वो की जा चुकी है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शनिवार और रविवार, ये दो दिन काफी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाले हैं, और इन दो दिनों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस बीजेपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का सेहरा किसके चेहरे पर बांधा जाएगा, ये सारे सवाल जो है वो शनिवार और रविवार तक मिल जाएंगे। जी विवेक, बिल्कुल। तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और इन तीनों के एक साथ अब ये देखना होगा कि विधायक दल की बैठक कब होती है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर के किस तरीके की रणनीति रही है और किस तरीके का समीकरण अब कयास के तौर पर लगाया जा सकता है। ब्रजेश राजपूत का रुख करते हैं। ब्रजेश, जरा बताएं कि किस तरीके के संकेत समझे जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में एक सिद्धांत है कि सरप्राइज होने के लिए तैयार रहो, पर्यवेक्षकों के नाम के साथ ही ये शुरू हो चुका है। देखिए, हम लोग जो बीजेपी को कवर करते हैं, उन लोगों से जानते हैं या बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कल मेरी उनसे बहुत दिनों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि दरअसल सब लोग सिर्फ संदेश वाहक हैं, ये सिर्फ संदेश देने आएंगे। और कई दफ़ा तो ये होता है कि जब वहाँ से चलते हैं तब भी इन पर्यवेक्षकों को मालूम नहीं होता कि नाम किसका जाना है। जब उस जगह लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और कई दफ़ा जब आधी मीटिंग हो जाती है तब पता लगता है कि इसका नाम
तय किया जाना है, इस संदेश को फैलाइए, इस नाम पर सहमति बनाइए। तो बीजेपी कुछ अलग तरीके से सोचती है, अलग तरीके से कार्य करने की उसकी शैली अलग तरीके से काम करती है। तो फिलहाल इन जो जिन पर्यवेक्षकों के नाम तय किए गए हैं इनसे कुछ बहुत ज़्यादा अंदाजा निकाला नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है। हाँ ये जरूर है कि तीन नाम तय कर दिए गए हैं और ये सिर्फ संदेशवाहक है, आलाकमान का जो संदेश है नीचे आके विधायकों तक फैलाएंगे, कंसेंट लेने की कोशिश करेंगे विधायक क्या चाहते हैं, मगर चलेगी आलाकमान की। यहाँ पे जो संदेश आएगा कब आता है, लेके आएंगे या यहाँ पे आएगा, ये सब बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। जो लोग बीजेपी के नेता हैं वो बताते हैं पर्यवेक्षकों को कई दफा आने के बाद पता लगता है किसके नाम पे सहमति बनानी है। तो ये जो नाम तय किए गए हैं एक मैसेजिंग तो दी गई, जैसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मैसेज ये दिया गया है कि मनोहर लाल खट्टर को भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम तय, पर्यवेक्षकों के नाम तय हो जाने के बाद भी अभी भी काफी सस्पेंस है क्योंकि बीजेपी इसको काफी सीक्रेट रखती है। ब्रजेश राजपूत आएंगे आपके पास स्क्रीन पर, विकास भदौरिया दिख रहे हैं आपको, काफी अंदर की जानकारी रखते हैं। विकास, जो तीन राज्यों के लिए तीन तीन नाम आए हैं और जो नाम है वो आपने गिनाए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इन तीन राज्यों में मुख्यमंत्री भी संघ के प्रभाव वाला होगा? जी देखिए, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि संघ के प्रभार वाला ही होगा या फिर बीजेपी काडर से ही होगा, किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि पिछले 25 सालों में बीजेपी के बीच जो है निचले स्तर से आया हुआ काडर इतना बड़ा हो चुका है कि अब उस काडर से बाहर निकलना बहुत ही कम होता है। कुछ ही मामले हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी काडर से नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ ही मामले हैं जहाँ पर बीजेपी काडर से निकला बाहर का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनता हो। लेकिन इतना तय है कि इन तीनों राज्यों में जो भी चेहरा आएगा वो एकदम फ्रेश होगा, नया होगा, अगले 20-25 साल की राजनीति उसमें पार्टी देखती होगी। किसी बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि जो बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास पर जो चार नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष जो कि पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, तो जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो यही बता रहा है कि इन तीनों राज्यों में नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। और यहाँ पर एक बड़ा सत्ता परिवर्तन गुजरात मॉडल की तर्ज पर किया जा रहा है। हो सकता है कि 70-80% तक जो मंत्री हों वो पहली बार मंत्री बनाए जाएं और पहली बार वो विधायक चुन के भी आए हों, ऐसे कई मंत्री कई चेहरे भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा इनपुट है, बहुत बड़ा इनपुट है विकास, जिस तरीके से आप ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि तीन तीन पर्यवेक्षक तीनों राज्यों के लिए नियुक्त करने की स्थिति बनी है, वो नाम सामने आए हैं, तो आने वाले वक्त के लिए क्या क्या बदलाव होता है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो गया है, पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं, अब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और वहां पर सीएम का नाम तय होगा। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि तीन राज्यों में बीजेपी ने पर्यवेक्षक का ऐलान कर दिया है और जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने तीनों राज्यों में तीन तीन पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया है। उसी पर हमारी चर्चा जारी है, ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स भी आपको टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश राजपूत हैं, विकास भदौरिया जुड़े हुए हैं, सबसे पहले ये राजस्थान से मनीष शर्मा भी जुड़े हुए हैं, विकास भदौरिया के पास लिए चलते हैं। विकास, अब जो ये पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं तो आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाएगी, एक बार ये समझा दीजिए दर्शकों को। या बिल्कुल, देखिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दो बार और पहले गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, सीनियर मोस्ट लीडर्स में से आते हैं। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री को किसी दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए पर्यवेक्षक बना के भेजा जा रहा है। उसके अलावा सरोज पांडे की बात कर ले, दो बार पार्टी की महासचिव रह चुकी हैं, महिला नेत्री हैं, छत्तीसगढ़ से आती है, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उनको यहां पर भेजा गया है। अर्जुन मुंडा दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है। सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं असम के और अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो बड़े सीनियर लीडर्स को इन राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपॉइंट किया है। जाहिर तौर पर एक बड़े बदलाव की जो कहानी है, जो इबारत है, वो पार्टी अध्यक्ष यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। और जैसा कि हमने बार बार बता रहे हैं पिछले तीन दिनों से कि तीनों राज्यों में नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे और केवल मुख्यमंत्री ही नए नहीं होंगे बल्कि मंत्री भी जो होंगे वो काफ़ी बड़ी तादाद में नए चेहरे शामिल होंगे।
तो ये ऐलान इसलिए भी किया गया है और नाम बड़े रख लिए गए हैं ताकि दबाव बना रहे और जल्दी ही फैसला हो जाए, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सब किसी का धन्यवाद। बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर के प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हमें इंतजार करना होगा, तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के बाद ये प्रहलाद पटेल जो कि दिल्ली से भोपाल की ओर रवाना हुए, इसमें उनका कहना यह है कि इंतजार करना होगा, तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और उसके बाद ये बैठक, तब ये तय हो जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सर सीएम फेस को लेकर काफी सरकार में क्या आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी करना। तो अभी भी आधा रास्ता खुला है, पूरा पूरी मंजिल तक नहीं पहुंचे, इसलिए कह रहे हैं कि अब आलाकमान ही तय करेगा। हम अपडेट आपको देते रहेंगे।